जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान आतंकियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। पुंछ के मेंढर सेक्टर के पठानतीर इलाके में सेना और आतंकियों के बीच आज सुबह फिर से मुठभेड़ हुई। पठानतीर इलाके में कल रात से ही गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी और आज सुबह भी गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। सेना को मेंढर के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स, पुंछ पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG और CRPF के जवानों ने संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन इसी दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी, जिसके बाद घटनास्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया। शनिवार को भी बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। और बारामूला एनकाउंटर का ड्रोन वीडियो सामने आया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आखिरी आतंकी के एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो आप देखिए। ड्रोन से इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। जी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ड्रोन से ऑपरेशन की किस तरह से पूरी निगरानी रखी गई, तीसरी आंख से अब आतंकी बच नहीं पाएंगे। बारामूला में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ हुई थी। तो एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो आप देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको इस वीडियो में सुनाई दे रही होगी और लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी खासतौर पर इस इलाके में काफी दिनों से सक्रिय हैं और लगातार हमारे सुरक्षा बल आतंकियों का चुन चुन कर इलाके से सफाया कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है अब तक और आखिरी आतंकी के एनकाउंटर का ये वीडियो सामने आया है। और इस पूरे ऑपरेशन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी और ये ड्रोन तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुठभेड़ की ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह से देखिए पूरी जो मुठभेड़ हुई, जिस तरह से गोलियां वहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं, किस तरह से जो आतंकी यहां पर छिपे बैठे हैं उनका सफाया हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं, ये तमाम चीजें आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कई चुनौतियां इस तरह के ऑपरेशन को सफल बनाने में होती हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन यहां पर इन तमाम इलाकों में चला रहे हैं जहां ये आतंकवादी सक्रिय बने हुए हैं। लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की ये फिराक में है और इनकी हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रहे हैं हमारे सुरक्षा बल। Z News.